नमस्ते, आप देख रहे हैं dilankadehan.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। हमारी टीम इस समय ग्राम पंचायत चुनाव कवरेज पे निकली है। हमारी टीम आज अदारी डबिया पहुंची है और हमारे साथ इस समय अदारी के भावी प्रधान प्रत्याशी चंद्रसेन गिरी जी मौजूद हैं। चंद्रसेन जी, जो आपसे पहला सवाल है वो ये है कि आप राजनीति में क्यों हैं? जी, ये राजनीति नहीं है, हम पब्लिक की सेवा करना चाह रहे हैं। जी, पब्लिक की सेवा करने के पूरे मूड में हैं जी। और पब्लिक उस तरह से हमको अच्छा। अपना समझकर पब्लिक के ही सहारे पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा। पब्लिक हमको लड़ा तो पब्लिक चाहती है, अदारी की, अदारी वाले चाहते हैं कि आप जो है चुनाव लड़ें। जी, चुनाव लड़ने की तो बात दूर है, अदारी के हर पब्लिक चाहती है कि हम प्रधान बने। अच्छा, वो चाहते हैं आप प्रधान बने। जी, प्रधान। तो आपकी क्या क्या प्लानिंग है अदारी के लिए, क्या क्या डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं, कौन कौन से ऐसे काम है जिन्हें आप आगे ले जाना चाहते हैं? प्लानिंग तो देखिए कि आज पिछले 15 सालों से हमारा गांव जो है जी विकास के किसी राह पे नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ का युवा, हमारे यहाँ के एक भी वृद्धा पेंशन जी। और एक भी विधवा पेंशन, मतलब अच्छा। किसी भी वर्ग पे ध्यान दिया ही नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ऊब करके पब्लिक जो चाह रही है कि भैया आप किसी तरह से, हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे। अच्छा। लेकिन पब्लिक के कहने पे भैया आप प्रधान बनिए, और इसलिए हमने ऐसा कदम उठाया है और आज हमारा सफल कदम भी है। तो जो वर्तमान प्रधान है, कौन है आपके यहाँ वर्तमान प्रधान और क्या क्या काम किए उन्होंने पिछले 5 सालों में? जी, हमारे यहाँ वर्तमान प्रधान श्री राम आश्रय यादव जी हैं। कितने साल से? तो पिछले 10 सालों से, इसके पहले इनकी माता जी थी और अब 5 सालों से राम आश्रय यादव। तो 5 साल में या फिर पिछले 10 साल में क्या काम हुआ है अदारी में? अभी मैं आ रहा था, मुझे सड़कें यहाँ की ठीक नहीं दिख रही है, स्कूल व्यवस्था ठीक नहीं दिख रहा, तो बताइए कुछ इसके बारे में। कोई काम पर सीमन देखा जाए और काम का स्तर देखा जाए तो कोई काम ढंग का नहीं हुआ है। जी 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 कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके बारे में सोच के काम किया गया, वो भी संतुष्ट नहीं है। पूरे 10 साल से पब्लिक को प्रताड़ित किया जा रहा है। पहली बात तो प्रधान ढंग से पब्लिक को फेस नहीं करते हैं जी। पब्लिक फोन करती है, परेशान होती है, पब्लिक का फोन ना उठाना, उनके पास समय से पहुंचना नहीं। अच्छा। और एक भी किसी तरह का ना ही वृद्धा पेंशन, ना ही विधवा पेंशन और ना ही किसी को किसी तरह की कोई व्यवस्था, कोई भी पब्लिक हमारे यहाँ संतुष्ट नहीं है प्रधान जी। हमारे यहाँ तो अभी तो देखिए कि प्रधान के कैडर का कोई काम नहीं हुआ है जी। जी, ना ही कोई ढंग की सड़कें बनी हुई हैं और ना ही किसी को प्रधान की, हमारे यहाँ गिन के बहुत से 4 से 6 सौर ऊर्जा का काम, लाइट का काम हुआ होगा जी। जी, 4 से 6 लाइट का काम हुआ होगा, वो भी सिर्फ अपने लोगों को जी वो करके। बिल्कुल। लेकिन उसमें भी उनका काम फ्लॉप गया है, कहे से कि कोई काम किया ही नहीं उन्होंने। क्या आप भी जाति देख के विकास करेंगे, जो है बड़ी कास्ट के लिए विकास करेंगे, छोटी जातियों के पीछे छोड़ देंगे? नहीं, हमारे जात का जातिवाद की कोई भावना ही नहीं है जी। अब हमारी आम छवि जो बात कर रहे हैं, आम छवि, आप हमारे गाँव में जाएंगे तो हर बंदा, हर घर, हर परिवार, हम बैठते हैं जी तो वो सोचते हैं कि कितने देर जी आप ये भैया हमारे यहाँ बैठे रहे तो कितने देर अच्छा लगता है हमसे बात करके, और लोग हमको चाहत भरी निगाह से देखते हैं, लोग मानते हैं, प्यार देते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चुनाव जीतने के लिए पैसा कितना जरूरी होता है? पैसे का कोई मायने नहीं, प्रेम से, यहाँ प्रेम से जिसको चाहे आदमी खरीद सकता है। पैसे से हमारे यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो पैसे से किसी को वोट देगा। क्या आपके गाँव में भी दारू और मुर्गा बांटा जाएगा? नहीं, हमारे गाँव में दारू मुर्गा खाने पीने वालों की संख्या ही नहीं है। अच्छा। इसलिए कि सब अपने आप में संपन्न है, सब एक से बढ़ के, हर एक घर के लोग एक से बढ़ के एक हैं और सब अपने आप में संपन्न है, कोई किसी से लेना देना नहीं चाह रहा है। सब अपने मन में बैठा लिए हैं कि किसको वोट करना है, कौन सही है, कौन विकासशील है, कौन कार्य कर सकता है। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के, वैश्विक महामारी के लॉकडाउन के अंतर्गत हम 40 क्विंटल अनाज देखा था हमने, काफी सोशल मीडिया पे काफी जो है प्रचार प्रसार उसका हुआ था, काफी लोगों तक बात पहुंची थी जो है। हाँ, ये 40 क्विंटल अनाज हमने बटवाया था और हम भाइयों ने मिलकर 40 क्विंटल अनाज और घर घर मास्क पहुंचाने का जितनी हो सकती थी, यही नहीं कि हमने ग्राम सभा में ही, अपने ही ग्राम सभा में नहीं, अगल बगल के 2-4 ग्राम सभा में जहां से सूचना आती थी कि भैया यहां के लोग खाने पीने में दुखी है या कुछ सक्षम नहीं है खाने पीने में, तो वहां हम लोग की टीम पहुंच जाती थी। अब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा वो है, हमारे यहाँ पैसा फरता नहीं है, लेकिन हम भी मेहनत से ही करने की इच्छा रखते थे इसलिए किए और आज उसी चीज का मुझे फायदा मिल रहा है समाज में। बताइए अपने गांव के बारे में कुछ, बताइए कैसा है आपका गांव, कैसे हैं यहाँ के लोग और किस तरीके से आपको समर्थन मिल रहा है लोगों के बीच। हमारा गाँव जो है, हमारा गाँव अगल बगल के लगभग हर गाँव से अच्छे स्थिति में है, ऐसा नहीं, लोग भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं और
आज ये जान लीजिए कि 10 साल से हमारा गांव एक प्रधान को चुन रही थी, जबकि वो विकास ना के मामले में किए थे, ना एकदम ना के बराबर विकास उन्होंने किया है, ना के बराबर विकास किया। उसके बाद भी 10 साल उनको मौका दिया गया, लेकिन आज स्थिति है कि हमारे वर्तमान प्रधान जो है पब्लिक के बीच में जाने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं, इसलिए कि मैं क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा उनसे। चंद्रसेन जी, आपकी योग्यता क्या है, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? जी हम एम ए समाजशास्त्र हैं। एम ए समाजशास्त्र। राजनीति में पढ़े लिखे नेता का होना कितना जरूरी है? जी हम अपने आप को राजनीतिक नहीं कहेंगे, हम नेता नहीं हैं, हम घर घर के बेटा हैं, समझ लीजिए कि हम हर भाई के भाई हैं, हर माँ बाप के बेटा हैं, और इसी से यही हमारा कैडर है, यही प्यार हमें आगे ले जाएगा, और इसी से मैं चाहे जितना आगे चला जाऊं लेकिन मैं कभी नेता नहीं बनूंगा, नेता नहीं हूं मैं जी, मैं लोगों का बेटा हूँ, लोगों के बीच में रह के सेवा करना चाहता हूँ। अगर आप प्रधान बनते हैं तो 5 साल में यदारी ग्राम सभा कितना बदलने वाला है? 5 साल नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा हमारे सर पे ताज आ जा रहा है तो हमारे जितने साथी हैं वो खुद को अपने आप को प्रधान के रूप में महसूस करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज 10 साल जो कार्य 10 साल में नहीं हुआ है, मैं वादा करता हूँ कि 1 साल में जी उसको मैं पीछे छोड़ दूँ। हम देखने आएंगे, हमारी टीम देखने पहुंचेगी 1 साल में। बिल्कुल आपका स्वागत है, आप आइए, तहे दिल से आपका स्वागत अभिनंदन है, और 1 साल में मैं आपको दिखाऊंगा कि 1 साल में 10 साल का कार्य को मैं पीछे छोड़ूंगा। 1 साल में 10 साल के काम को पीछे, 10 साल के काम को पीछे छोड़ूंगा। शिक्षा व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क, खड़ंजा, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या प्लानिंग है? शिक्षा व्यवस्था देखिए, स्कूल में जो हमारे ग्राम सभा के अंतर्गत 3 स्कूल आते हैं जी, स्कूल में ढंग का पोषण नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल ढंग का पोषण है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जी, बिल्कुल। महीने में 2 बार बच्चों का इंटरव्यू लिया जाएगा, बिल्कुल योग्य लोगों से जी इंटरव्यू लिया जाएगा कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या उनका कैडर है, किस ढंग की इनको शिक्षा दी जा रही है जी। इससे क्या होगा कि आने वाला समय बेहतर होगा जी। प्राइमरी स्कूल में टीचर सो जाते हैं, बच्चे घूमते रहते हैं, आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं प्रधानों को इस बात का ध्यान देना चाहिए? ये पूरे उत्तर प्रदेश की हालत इसी वजह से शायद खराब है शिक्षा व्यवस्था को लेकर। नहीं, कुछ दिन पहले की बात थी जी कि प्राइमरी स्कूलों में टीचर सो जाते हैं, बिल्कुल। अब के टीचर जो है तेज तर्रार छठे हुए टीचर आ रहे हैं। हाँ हाँ, अब हमारे आपके समाज की कमी है, हमारा आपका समाज स्कूलों में प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को भेज नहीं रहा है पढ़ने के लिए जी, बिल्कुल। तो योग्य टीचर रह के पढ़ाएंगे किसको? अगर आपके बच्चे क्या आप उन्हें भेजना चाहेंगे प्राइमरी स्कूल में? जी बिल्कुल, सब अगर कैडर बढ़ेगा स्कूल का, ढंग की शिक्षा होगी, ढंग की व्यवस्था होगी, हमारा तो पूरा यही प्रयास रहेगा कि स्कूल प्राइमरी स्कूल को इतना स्तर तक ऊंचा ले जाया जाए कि जिससे हर व्यक्ति चाहे कि मैं अपना लड़का प्राइमरी में पढ़ाऊं, और ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी जी जी। हम स्कूल पे विशेष ध्यान दें, वो क्या खा रहे हैं, ढंग का आहार ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ढंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि नहीं, उनका कपड़ा साफ है कि नहीं साफ है, बिल्कुल वो ढंग से है लोगों के बीच में कि नहीं, उनको संस्कार दिया जा रहा है, इस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। गरीब बच्चों के बारे में बताइए, आप सोशल वर्कर हैं, मैं देखता रहता हूँ आप लोगों तक पहुँचते रहते हैं, उनकी मदद करते रहते हैं, तो अभी कितना और जरूरत है और किस तरीके से समाज बदलेगा हमारा? जी गरीब बच्चे, पहली बात तो हमारे यहाँ सब मेहनत करके कमा के खाने वाले हैं जी, और सब अपनी अपनी ईमानदारी से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बिल्कुल। और हमने बहुत पहले से ही, आज 3-4 सालों से जब से हम अपने पैरों पे हुए हैं, तब से हम हर परिवार को ये फैसिलिटी दे रखे हैं कि अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो जी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप निसंकोच जी हम भाइयों के पास, हम्म, 4 भाई हैं हमारे, बड़े भाई हैं चंद्रभान गिरी जी, चंद्रशेखर जी, छोटा भाई सिपाही है जी, तो सबका समाज में एक अलग स्तर है, हम्म, हमसे मतलब उनसे हम, हमारे बड़े भाई चंद्रभान जी हैं, उनसे हम सीखते हैं, बिल्कुल बड़े स्तर के हैं। अगली बार उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा था, तो हम लोगों ने आज से 5-6 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है, तो 21 साल हमारी उम्र थी, 23 साल मेरे भाई साहब की उम्र थी, तो हमने अच्छी फाइट किया था, तो लोगों में एक विश्वास जगा कि ये लोग जो है कि समाज में, और लगातार निरंतर तभी से जुड़े हुए हैं, और निरंतर हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, निरंतर समाज हमारे लिए बढ़ता चला जा रहा है। चंद्रसेन जी, किसी को आपसे डरने की जरूरत है ग्राम सभा में या फिर इस इलाके में? कोई भी एक भी शख्स अगर पूरे आप कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए, एक भी व्यक्ति हमसे डरने वाला नहीं है, मैं ना किसी को डराता हूँ, इसलिए कि मैं सबको भाई की निगाह से देखता हूँ, सब मुझे लगातार प्यार करने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, इसलिए कि सब जान रहे हैं कि सच्चाई क्या है, अब कौन विकास कर सकता है। हमने अब हमारे ग्राम सभा में ही कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ लाइट का अभाव था रोड पे, बिल्कुल, तो हमारे कुछ अच्छे सहपाठी साथी लोग बताए कि भैया यहाँ लाइट का तकलीफ है, तो त्वरित गति से हम 1-2 दिन के अंदर लाइट की व्यवस्था कराए, लाइट लगवाए,
ठंडी में हम जो गरीब वर्ग के लोग थे, मुसहर वर्ग के लोग थे और जो हमारे कुछ अच्छम लोग थे, उन्होंने उनको कंबल के लिए हमने व्यवस्था कराई, कंबल दिया उन्हें और कंबल की व्यवस्था कराई। और जो भी आज भी जो हमारे पास आता है कि भैया हमको इस चीज़ की तकलीफ है और हम इस चीज़ में अच्छम है, हमारी व्यवस्था हो नहीं पा रही है, हम भर सक प्रयास करते हैं कि हम उनकी व्यवस्था करें जी और कराते हैं। बिल्कुल चंदसेन जी, हमारे माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को हम संदेश देंगे, देखिए पब्लिक हमारे यहाँ की सब जागरूक है जी, सब शिक्षित हैं जी, हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव नहीं है, सब पढ़ रहे हैं जी, सबको जानकारी है जी कि कौन, चार लोग हमारे प्रतिभाग में है, चार लोग लड़ रहे हैं जी प्रधानी का चुनाव, तो सब जान रहे हैं कि कौन विकासशील है और कौन कार्य की क्षमता किसके पास ज्यादा है। बिल्कुल, तो कार्य क्षमता के, हमारे कार्य क्षमता को थोड़ा सा देखा है पब्लिक ने और हम उसी तरह से काम भी करते हैं। अभी तो हम कुछ भी नहीं थे, मेरा कोई पद नहीं है, उसके बावजूद हम करने की इच्छा रखते हैं। अगर मेरा पद आ गया तो मैं वादा करता हूं कि 10 सालों का काम 1 साल में पीछे करके दूंगा पब्लिक को, जिससे पब्लिक को भी भरोसा है जी। पब्लिक मुझे इतनी पब्लिसिटी दे रही है कि और लोगों की नींद हराम हो गई है जब से मैं चुनाव में कदम रखा हूँ जी, अपने भाइयों के कहने पे, अपने लोगों के कहने पे, तब से और लोगों की नींद हराम हो गई है जी। और ये मेरे लिए सही चीज़ है और मेरे जो भाई हैं जो मुझे चाहते हैं, जिनके दिल में मैं हूँ, जो मेरे दिल में है वो मेरे साथ। के बारे में कुछ बताइए, आपके जो सपोर्टर लोग हैं? सपोर्टर नहीं, हमारे भाई हैं और बहुत उनसे मैं सीखता हूँ जी, उन्हीं की देन है। सपोर्टर जो हमारे हैं, भाई जो हैं हमारे, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, गार्जियन स्वरूप, चाचा दादा जो हैं, जो हमको सिखाते हैं बताते हैं, उन्हीं के दम पे आज मैं हूँ पब्लिक में। और पब्लिक आज मुझे अगर अपनाई है तो उन्हीं के बताए हुए राहों कदम पे। गांव वालों के बारे में आपकी क्या राय है? गांव वालों के बारे में ये राय है कि हम सोच रहे हैं कि हर तरह से विकास हो। हम तो आज भी कह रहे हैं कि पब्लिक के लिए ये तीनों प्रत्याशी लड़ रहे हैं, पब्लिक के लिए अगर ये लोग अभी धराशाही करें अपने आप को, तो मैं पब्लिक के लिए 10 लाख देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। और अन्यथा कोई ग्राम समाज के विकास के लिए 10 लाख रुपए दे और जो निर्विरोध का सरकार निधि से पैसा आता है वो भी गांव के विकास में लगाया जाए, अगर ऐसा कोई करने के लिए तैयार होता तो मैं स्वयं चुनाव छोड़ने के लिए तैयार हूँ पब्लिक के हित के लिए। अगर नहीं तो हमसे पैसा ले लें, हम विकास के लिए, हम 10 लाख का कार्य करा रहे हैं, 10 लाख हम जमा कर रहे हैं। अच्छा, अगर तीनों प्रत्याशी बैठ जाएंगे तो आप 10 लाख रुपया देंगे विकास कार्य के लिए, 10 लाख रुपया आप एडवांस देंगे, और तो क्या 10 लाख रुपया आप फिर वसूलेंगे प्रधान बनने के बाद? बिल्कुल नहीं जी, 10 लाख रुपया मैं दूंगा भी विकास कार्य के लिए और अपने देख रेख में 10 लाख रुपए का काम भी कराया जाएगा। उसके बाद जो सरकार निधि से निर्विरोध का अवार्ड मिलता है वो पैसा भी हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, वो पैसा भी ले पब्लिक और पब्लिक के देख रेख में, पब्लिक के संज्ञान में सब काम होगा पूरे चौतरफा विकास के लिए। उसके बाद भी जो निधि से काम आएगा मैं पब्लिक तक पहुंचाने का काम करूंगा जी। अगर हमको, अगर ऐसा, हम तो ये मौका पब्लिक को दे रहे हैं, ये मौका पब्लिक को दे रहे हैं कि कम से कम किसी बहाने गाँव का विकास हो। मेरा मेन भूमिका यह है मेरी कि गाँव का विकास हो। मुझे भगवान खाने भर का 2 वक्त की रोटी दे देते हैं, मुझे किसी चीज की लालच नहीं है, पद प्रतिष्ठा की लालच है, पद प्रतिष्ठा रहेगा। हर पब्लिक के हर लोगों को मैं खुश रखने की कोशिश हर तरह से करूंगा, यही मेरा सोचना है और यही मेरी पब्लिक से गुहार भी है, क्योंकि पब्लिक में रह के ही जीना है, पब्लिक में ही विकास है, पब्लिक में ही विनाश है। जो जैसा करेगा वैसा पब्लिक उसको रास्ता दिखा देगी। और हर भाइयों से मेरा प्यार भरा प्रणाम और आप लोगों से भी, अगर बोलने में कोई मेरी क्षमा, अगर त्रुटि हुई हो तो उसको मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे मन कर्म और वाणी से किसी को तकलीफ हुई हो तो हमें क्षमा करने की कोशिश करिएगा।